एवरीथिंग ओके? आई होप सो. मैं फोन से शूट कर रही हूँ एंड वो भी बैक कैमरा से, दैट्स वाई थोड़ी सी कन्फ्यूज हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं. हाई एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड डूइंग सेफ. ओके, इट्स बीन अ व्हाइल आई हैव डन अ व्लॉग, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ व्लॉग टुडे. ओके, आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन, येस अगेन, बट दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी अ रियली शॉर्ट ट्रिप. वी आर गोइंग टू डूअर्स फॉर 3 to 4 days ओनली एंड दैट्स वाई आई एम गोइंग टू पैक रियली लाइट दिस टाइम. मैं बहुत ही लाइट पैकिंग करने वाली हूँ, बिल्कुल भी अननेसेसरी चीज़ें नहीं लूँगी एंड कम ड्रेसेस लूँगी दिस टाइम. तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं कौन से चीज़ें कैरी करने वाली हूँ, सो दैट आप लोगों को हेल्प हो जाए. दो, आई एम रियली बैड एट ब्लॉगिंग एंड मैं ये हर बार बोलती हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छे ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, बट स्टिल आई ट्राई एंड आई होप यू गाइज विल अप्रिशिएट इट. या पहले मैंने सोचा था कि मैं वो स्मॉल ट्रॉली कैरी करूंगी, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत ही कम चीज़ें कैरी करने वाली हूँ. तो नॉर्मल बैकपैक अगर ले लेती हूँ देन वही इनफ हो जाएगी. दैट्स वाई मैं सिर्फ मेरी बैकपैक लूँगी एंड दैट्स इनफ, ज़्यादा कुछ कैरी नहीं करने वाली हूँ. एंड माई स्किन कंडीशन इज क्वाइट बैड, आई एम ब्रेकिंग आउट अ लॉट. मनाली से आने के बाद से ये हो रही है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रही है. मैंने डर्मेट के साथ मेरी कंसल्ट की है एंड अपॉइंटमेंट भी ले ली है. होपफुली इस वीक पे मैं डर्मेट दिखा दूंगी ताकि वो ज़्यादा यू नो एक्सट्रीम ना हो जाए. सो यप, कोई आया है? अच्छा, कोई आया है, लेट मी जस्ट चेक कि कौन है एंड देन आई विल टॉक टू यू गाइज. ऑल राइट, सो आई जस्ट टुक अ बाथ एंड मैं एक्चुअली पार्सल्स ओपन कर रही थी. मुझे अमेजन से मेरी पार्सल से हो गई है एंड मॉर्निंग पार्सल्स ऑलवेज मेक मी हैप्पी. तो लेट मी शो यू गाइज कि मैंने इस बार कौन सी चीज़ें ऑर्डर की है. मोस्टली लाइक विंटर वेयर ही है एंड सिर्फ दो ही लाइक कैजुअल आइटम है. अमेजन पे विंटर रिलेटेड सेल चल रही है, डिस्काउंट्स है, देन बहुत सारे ऑफर्स चल रही है. तो प्लीज़ आप लोग एक बार अमेजन की ऐप चेक कर लेना ऑफर्स जानने के लिए. लेट मी शो यू गाइज कि मैंने इस बार कौन सी चीज़ें ली हैं. फर्स्ट आइटम है ये मैक्स फैशन रेगुलर फिट टी शर्ट. मैंने ये एस साइज की ली है एंड एस जो साइज़ है ना वो भी काफ़ी बड़ी है एक्चुअली. लाइक आई होप यू गाइज कैन सी, ये बहुत ही कंफर्टेबल है. मैंने ये 199 rupees से परचेज की थी एंड मैंने जस्ट चेक की इसकी प्राइस अभी इंक्रीज होकर 519 rupees हो गई है. तो ये हमेशा होती रहती है कि जो प्राइसेस है ना वो फ्लैक्चुएट होती रहती है. अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइसेस साइजेस के ऊपर भी डिपेंडेड रहती है. प्लीज़ आप लोग एक बार वेबसाइट चेक कर लेना करेंट प्राइसेस जानने के लिए. मैंने यू नो जो अमाउंट पे किया मैं वही आप लोगों को बताऊँगी. एंड ये जो है ना आई थिंक ये कॉटन फैब्रिक की है, बहुत ही कंफर्टेबल है एंड शोल्डर पे आप लोगों को ऐसे बटन्स मिल जाती है एंड दे हैव प्रोवाइडेड लाइक अ एक्स्ट्रा बटन इन केस अगर कोई भी बटन रिमूव हो जाती है देन आप लोग ये वाले स्टिच कर सकते हो. नेक्स्ट आई बॉट दिस लिवाइज. ओके, मैं इसको ना थोड़ा सा सीधा कर लेती हूँ. मैंने इसको अभी जस्ट ट्राई की है ना, दैट्स वाई ये ऐसे हो गई. सो नेक्स्ट मैंने ली है ये लिवाइज की रेगुलर फिट टी शर्ट जो कि ऐसे लिवाइज के वो सिग्नेचर प्रिंट में आती है. इसके जो रेड कलर है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो जब मैंने ये ग्रीन वाली देखी मुझे लेना था एंड आई नीड फॉर सो लॉन्ग. इसकी प्राइस ना उतनी कम नहीं होती है. इसके एक्चुअल प्राइस आई थिंक 1099 rupees है. मैक्स टू मैक्स ये 799 rupees में अवेलेबल रहती है, बट दिस टाइम ये मुझे 576 rupees में मिल गई. दैट्स वाई मैंने ऑर्डर प्लेस कर ली थी क्योंकि इसकी प्राइस ना उतनी कम नहीं होती है. तो मुझे जब ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गया आई वॉज लाइक जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ. सो या ये कॉटन मटेरियल की है एंड ये भी स्ट्रेचेबल है. मैंने ये एस साइज की ली है. इसकी जो स्लीव्स है वो शॉर्ट स्लीव्स है. आई थिंक मैंने ना ये एस साइज में ली है. आई एम नॉट वीडियो ऑन किया मैंने. हाँ, मेरे से ना हमेशा ये होती है कि अगर मैं कैमरा से या तो जिस चीज़ से भी शूट कर रही हूँ, कैमरा फोन जो भी कह लो, मैं समटाइम्स ना वो बटन प्रेस नहीं करती हूँ, वीडियो ही ऑन नहीं होती है. सो मैंने जस्ट चेक कर ली. या तो ये नहीं मेरी सेकेंड आइटम, ये भी मुझे बहुत पसंद आई. आप इसको डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हो एंड वाइट टी शर्ट जो होते हैं ना वो बहुत ही एलिगेंट लगती है मुझे एंड वाइट टी शर्ट्स आर समथिंग जो कि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ. सो या डेफिनेटली आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हो. इसकी प्राइस प्रिंटेड प्राइस ज़्यादा है बट अगेन आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस पर वो मिल जाएगी, सो इट्स नॉट एन इशू. नेक्स्ट मैंने एक स्वेट शर्ट ली है फ्रॉम द ब्रांड क्यूब बाई फोर्ट कॉलिन्स एंड इट्स अ वुमेन स्वेट शर्ट जो कि ऐसी लाइट पिंक पीच कलर की है टू बी प्रिसाइज एंड बहुत ही कंफर्टेबल है. इसके मटेरियल भी काफ़ी थिक है. मैंने ये एम साइज़ के लिए है. इसकी साइज एम से स्टार्ट होती है एंड अप टू 2XL तक है. इसमें आप लोगों को फुल स्लीव्स मिल जाती है एंड आई पेड ₹555 फॉर दिस वन एंड या
ये स्ट्रेचेबल नहीं है बट बहुत ही कंफर्टेबल है, इसमें आप लोग और भी कलर्स मिल जाएगी टू चूज फ्रॉम। वाइट कलर की है, ब्लैक है, ब्लू है, मैंने ये पीच कलर की ली है। सो या आप और भी कोई भी कलर के ले सकते हैं। क्यू ब्रांड की मेरे पास एक स्वेटर है एंड ये ना बहुत ही कंफर्टेबल होती है एंड टिकाऊ भी होती है। लाइक मेरे पास क्यू की जो स्वेटर है मैं वो बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। सो या दैट्स टोटली वर्थ परचेज। इनफैक्ट ये भी एकदम ठीक ठाक ही अच्छी क्वालिटी की है। नेक्स्ट मैंने और एक स्वेट शर्ट ली है एंड ये एलन सोली की है। मैंने ये सिल्वर कलर के लिए, सिल्वर कलर की मैंने ये ली है, सिल्वर नहीं ग्रे कलर की मैंने ये ली है एंड इसकी जो साइज है वो है एस एंड ये मेरे ऊपर इतनी अच्छे से फिट हो रही है। स्पेशली जो स्लीव्स है ना वो एकदम फिट है, मैंने जस्ट ट्राई की है, दैट्स वाई बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। एंड इसकी मटेरियल भी बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर ना ऐसे वो कॉटन की वो है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। एंड आई पेड ₹749 फॉर दिस वन। इसमें और भी कलर ऑप्शंस है, ब्लू है, ब्लैक है, ऑलिव है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर की है। सो डेफिनेटली आप और भी कोई कलर के ले सकते हो। ओके नेक्स्ट मैंने ली है ये क्लियर थॉट वोमेंस रेयन एम्ब्रॉयडर्ड राउंड नेक टॉप विच इज़ काइंड ऑफ अ कुर्ता एंड आई गॉट इट इन दिस साइज एस। ये 3/4 स्लीव्स के साथ आती है एंड यहाँ पे ऐसे वर्क की हुई है जो कि बहुत ही प्रीटी दिख रही है। इसमें आप लोगों को टोटल 3 कलर ऑप्शंस मिल जाती है, ब्लैक, येलो एंड रेड। मुझे ये ब्लैक वाली ज़्यादा पसंद आती है, दैट्स में मैंने ये ले ली है। एंड ये ना आप जीन्स के साथ भी वेयर कर सकते हो, एट द सेम टाइम लेगिंग्स के साथ भी वेयर कर सकते हो। एंड इसकी जो प्राइस है ना वो है ₹550। लाइक मैंने ₹550 पे की थी फॉर दिस वन एंड इसकी मटेरियल भी बहुत ही सॉफ्ट है, कम्फर्टेबल है। नेक्स्ट मैंने ली है ये बेडेड कैप फ्रॉम द ब्रांड गिबेला एंड इट्स अ वुमेन्स फ्रिंज बेडेड कैप। आई पेड ₹350 फॉर दिस प्रोडक्ट। इसके साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी एक्चुअली, मैंने ब्लैक ऑर्डर की थी बट मुझे रेड रिसीव हुआ था जो कि बहुत ही प्रीटी कलर थी, एक स्टेटमेंट पीस थी। बट द थिंग इज रेड बेडेड कैप्स ना बहुत ही स्टेटमेंट होती है एंड दैट्स वाई यू कांट स्टाइल इट विथ ऑल ऑफ योर आउटफिट्स, राइट। आपको बहुत ही कुछ चूज करके आपके आउटफिट्स पिक करनी होगी टू स्टाइल इट विथ अ रेड बेडेड कैप, जबकि ब्लैक बेडेड कैप्स बहुत ही बेसिक होती है एंड यू कैन स्टाइल इट विथ मोस्टली ऑल ऑफ योर आउटफिट्स, ठीक है। दैट्स वाई मैंने ब्लैक वाली ऑर्डर की थी बट मुझे रेड वाली रिसीव हो गई थी, बट वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर दिख रही थी, बट आई वॉन्टेड अ ब्लैक वन, दैट्स वाई मैंने वो रिटर्न कर दी एंड आई गॉट दिस वन। अच्छा मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स की परचेज लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी, सो इन केस यू वॉन्ट टू बाई एनी ऑफ दिस यू कैन बाई इट डायरेक्टली फ्रॉम दोज लिंक्स, ताकि आप लोगों को यू नो बार बार जाके वो सर्च करके देखना ना पड़े, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से परचेज कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम टू पैक माई बैग्स एंड लेट्स गो। ऑल राइट, तो मुझे जो भी चीज़ें लेनी है मैंने वो यहाँ पे रख दी है एंड मैं भी इसको फोल्ड करके बैग पैक के अंदर डाल दूंगी एंड प्लीज इग्नोर द मिस, पैकिंग कर रही हो तो थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी। या तो स्टार्ट करते हैं एंड मैंने ना मेरी स्किन केयर अभी तक इंक्लूड नहीं की है, इट्स बिकॉज अभी भी टाइम है, दैट्स वाई लाइक मैं जो भी स्किन केयर करेंटली यूज़ कर रही हूँ मैं वही लेने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं उसको अभी बैग में नहीं डालूंगी, जाने की एक दिन पहले डालूंगी, ठीक है। सो या क्लिक करके सब कुछ, आई होप, मैंने ना एक गलती कर दी है, मैं हर बार ना एक लिस्ट बना लेती हूँ मुझे ये चीज़ें डालनी है, या तो फ़ोन पे लिख लेती हूँ, बट दिस टाइम मैं वो करना भूल गई, ठीक है कोई नहीं। मैं ज़्यादा कुछ तो लेने वाली नहीं हूँ, लाइक 4 days के लिए अलग अलग ड्रेसेस पैक कर लूँगी एंड वहाँ पे जाके पहनने के लिए 2-3 पेयर ऑफ क्लोथ्स जस्ट टू कीप माई सेल्फ वार्म, क्योंकि डुअर्स में ना अभी थोड़ी बहुत ठंड है, थोड़ी बहुत अच्छी वाली ठंड है, सो उस हिसाब से मुझे पैकिंग करनी होगी। सो लेट्स गो। ये वाले पाउच मैंने ली है, इसमें मैंने सारे मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स ली है, बहुत कुछ नहीं ली है, सिर्फ मेरी कॉम्पैक्ट ली है, 2 लिपस्टिक्स ली है, लिप टिंट ली है, आई लाइनर एंड ब्राउ पेंसिल, दैट्स ऑल, और एक आई लाइनर। हाँ सिर्फ ये चीज़ें ही ली है मेकअप के लिए, ज़्यादा कुछ मेकअप करने वाले तो वो नहीं। इनफैक्ट मैं जब मनाली गई थी मैंने तब भी यही किया था, मैंने बहुत मेकअप नहीं लिया था, सिर्फ कॉम्पैक्ट लिपस्टिक, 2-3 कलर की लिपस्टिक्स ली थी, आई लाइनर, सेटिंग स्प्रे एंड ब्राउ पेंसिल, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं लिया था मैंने। ओके वो तो ये मेरे मेकअप की पाउच जो कि मैं सबसे लास्ट में डालूंगी बैग में, साइड पॉकेट्स में मैं डालूंगी आई थिंक,
शूज, पहले शूज में वो डालूंगी। तो मैं सिर्फ ये वाली वाइट स्नीकर्स कैरी करने वाली हूँ मेरे साथ, और कुछ नहीं कैरी करूंगी, एंड स्लीपर्स पहन के मैं जाऊंगी। सो दैट्स ऑल। अभी तक प्लान तो मैंने यही किया कि मैं और कोई शूज कैरी नहीं करूंगी। मनाली में मैंने 1, 2, 3, 4 पेयर ऑफ शूज कैरी किए थे मेरे साथ। ओह गॉड। ओके, इसके बाद 2-3 ड्रेसेस डालूंगी। नहीं, ये मैं तो पहनने वाली हूँ ना, तो फिर ये सबसे ऊपर मुझे रखना है, ये भी सबसे ऊपर रखना है। स्वेटर्स एकदम नीचे जाएगी। ये वाले स्वेटर मैंने आप लोगों को जस्ट दिखाई है, तो मैं ये लेने वाली हूँ मेरे साथ। प्लान में चेंजेस भी हो सकती है, अगर यू नो कोई भी चेंजेस आए तो फिर मैं ये निकाल के और कुछ भी डाल सकती हूँ। मैं हमेशा ये करती हूँ। फिर ये वाली लिवाइस की ये टी शर्ट लूँगी। जीन्स मैं सिर्फ एक ही कैरी करने वाली हूँ मेरे साथ। ये वाले जीन्स मैं लूँगी सिर्फ 3 दिन के लिए जा रही हूँ, 3-4 दिन के लिए। तो यू नो 2-3 जीन्सेस कैरी करने का कोई मतलब नहीं है। फिर ये वाली क्रॉप स्वेटशर्ट लूँगी। ये मिस चेस की है, मैंने अभी तक इसको वेयर नहीं किया है, सिर्फ वीडियो में ही आप लोगों को दिखाई थे ना, उसके बाद से मैंने आज तक वेयर नहीं किया, तो मुझे ये लेना है। मैं ये वो होटल में पहन लूँगी ना। ये वाली वाइट शर्ट लूँगी जो कि मैंने अमेजन से लिखा थी, मुझे ये स्टिच करवानी होगी। क्या हुआ इसमें? अरे बाप रे, लो तो लास्टली मैं ये दो चीज़ें लूँगी, तो मैं इसको सिर्फ ऐसे ले लूँगी, ये वाली कवर नहीं लूँगी। स्ट्रेटनर, हेड प्रोटेक्टिंग स्प्रे, दोनों इम्पोर्टेंट है। आई थिंक मैं इसको ना साइड पॉकेट में कैरी करूँगी। हाँ, ये भी आ जाएगा आई थिंक, देखते हैं। हो गया। एंड ये गया यहाँ पे। हाई, लंच कंप्लीट हो गई है एंड राइट नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। आई थिंक आई विल एडिट दिस वीडियो एंड देन आई विल मेक इट लाइव। फ़ोन से शूट कर रही हूँ ना, तो एडिट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम फटाक से एडिट कर लूँगी मैं। एंड या अभी तो कुछ काम है नहीं एज सच, आई एम जस्ट लुकिंग एट माई स्किन यार, लुक एट इट, इट्स फ्रेकिंग आउट लाइक हेल। सीरियसली आई नीड टू कंसल्ट माई डॉक्टर इमीडिएटली। या आई थिंक आई विल बी एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। इफ यू डिड देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वी आर क्वाइट क्लोज टू हिट 100K, प्लीज मेक इट सून। एंड या सी यू गाइज सून, बाय एंड टेक केयर।